नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल चैनल पर। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कमेंट बॉक्स में कि आप सभी दोस्त कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, या आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और आशा करता हूँ प्यारे दोस्त कि आप सभी लोग इस क्रम में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। आप सबके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं कि हाँ जी सर, चीजें हमें क्लियर हो रही हैं, चीजें हमें समझ में आ रहा है भाई। तो मुझे भी बहुत खुशी हो जाती है कि चलो भाई कम से कम आ तो रहा है। आज प्यारे दोस्त हम लोग करने वाले हैं, आज ये पहली बात तो आपका 20वां दिन है, यानी स्टेनोग्राफर हम स्टेनोग्राफी सीखने में इस क्रम में हमारी ये 20वां लेक्चर है, ये 20वां लेक्चर, ठीक है। और जहां पे हम लोग करेंगे अभ्यास नंबर 12 का सपुड़ा साफ करेंगे प्यारे दोस्त, जहां पे कुछ आपको इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। तो स्टेनो प्यारे दोस्त आप सीखें यूपी क्लासेस प्रयागराज पर, और सीखने का प्यारे दोस्त आमंत्रित करें अपने मित्रों को, दोस्तों को पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है प्यारे दोस्त। यही आपकी पुस्तक है, ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, और मित्र इससे बेहतर कहीं और नहीं, ठीक है। आप खोजिए यूट्यूब पर, आपको नहीं मिल पाएगा इसे लेक्चर्स। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथी अभ्यास नंबर 12 की प्रैक्टिस, और एक बार सभी प्यारे दोस्त ध्यान देंगे, विशेष रूप से ध्यान देंगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। अभ्यास संख्या 12, अभ्यास नंबर 12। अब भैया हम 12 को करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आइए पहले मैं शब्दों को देखता हूं। 12 में दिया क्या गया है ना, आपके हिंदी में दिया गया है 12वां। आपके कुल 6 पॉइंट दिए गए हैं, और वो सारे के सारे जो 6 पॉइंट हैं वो हिंदी में दिया गया है, और वो आपसे ये पुस्तक कहना चाह रही है कि भाई आप इसे ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि में अनुवाद करें। तो भाई आइए मिलके अनुवाद करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस पर। सा, सी, ओस, ईस, आशा, आश और शो, आश, और अंत में एक शब्द दिया गया है आपका शो। आइए पॉइंट अभ्यास नंबर 12 के पॉइंट नंबर 1 की ओर चलते हैं हम लोग, जहां पे सा, सी, ओस, ईस, आ, सो, आपको ये 4-5 शब्द आपके सामने लिए गए हैं। प्यारे साथी हम जानते हैं कि सा, सा में बड़ा आ की स्वर आ रही है, तो सिंपल सी बात है, हम सा दो तरह से बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सा में बड़ा आ की स्वर के लिए पहले स्थान पर मोटा डैश जो बड़ा आ की मात्रा को सूचित करता है, ये सा हो गया। उसके बाद सी आप ऐसा बना सकते हैं। अब बड़ी ई की स्वर के लिए मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर आप रखेंगे, ये तो सा में बड़ी ई की मात्रा को सूचित करेगा सी। उसके बाद है ओस, ये देखो भाई, अब सा व्यंजन से पहले स्वर आ रही है ओ की, तो मैंने आपको सिखाया है कि मोटा डैश आप दूसरे स्थान पर लगाएंगे, ओ की मात्रा सूचित करेगी, पहले स्थान पर बड़ा आ, दूसरे स्थान पर ओ, तीसरे स्थान पर ऊ, तो दूसरे स्थान पर लगाया हमने ऊ। अब देखिए ईस, तो सा लिखे प्यारे साथी, उसके पहले आपकी ई की स्वर आ रही है, तो मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर ईस। उसके बाद है आस, सा का व्यंजन, सा से पहले बड़ा आ की स्वर के लिए मोटा डैश आप पहले लगा दें, आश। उसके बाद है सो, सा में ओ की स्वर आ रही है, तो मोटा डैश आप दूसरे स्थान पर लगा देंगे जो ओ की मात्रा को सूचित करेगा। तो अब थोड़ी सी मेरी स्पीड बढ़ रही होगी आपके प्रति, ठीक है, स्पीड में आप सभी के प्रति प्यारे दोस्त बढ़ाते हुए चल रहा हूं, जिससे आप सभी लोगों को चीजें एकदम क्लियर होती रहे, कल को चलकर प्यारे साथी आपको प्रॉब्लम समस्या ना आवे, है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 2 की ओर देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। मैं आप लोगों को हर एक शब्द में हो क्या रहा है, इसमें मात्रा स्वर पहले आ रही है कि बाद में आ रही है, एक एक चीज मैं आपको बता बता के चलता हूं भाई। चलिए आगे देखिएगा, अस, सु, शु, आशा, आप ध्यान देंगे, अस दिया गया है, उसके बाद एक सादा सा दिया गया सु, या प्यारे साथी आप
किसी भी प्रकार का सा लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड में केवल एक ही प्रकार का सा है ना। शु, उसके बाद है आशा शेषो, आशा से और सो, से और सो। तो पॉइंट नंबर ये आपका दो हो गया। और आइए पॉइंट नंबर दो की ओर ध्यान देते हैं भाई। पहली बात तो यहां पे सा व्यंजन के पहले ही आपकी स्वर आ गई, तो भैया आप सा बनाओ। और छोटा आ के लिए आप जानते हैं कि एक मोटा बिंदु पहले स्थान पर रखते हैं तो आ की मात्रा को सूचित करेगा। ये हो गया अस। उसके बाद सु, सा में बड़ा उ की मात्रा आ रही है सु के लिए, तो भैया हम सु यहां पे लिखे थे, नहीं लिखे थे। अब बड़ा उ के लिए हम क्या करेंगे, मोटा डैश तीसरे स्थान पर लगाएंगे तो उ की मात्रा को सूचित करता है, यानी सा सा में उ की स्वर मिलकर सु। आशा, ये देखो भाई, अब शा के पहले बड़ा आ की स्वर, सा में भी बड़ा आ की स्वर, तो दोनों के लिए हम पहले स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे। अब मां सा के पहले मोटा डैश लगाया, वो आ की स्वर, सा सा में बड़ा आ की स्वर मिलकर आशा। सिंपल सी बात है, सा सा में एक ही स्वर, अब एक ही स्वर के लिए मोटा बिंदु दूसरे स्थान पर एक ही मात्रा को सूचित करता है। उसी प्रकार से फिर से आपका सो आ गया। अब ओ की स्वर के लिए आप दूसरे स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा सो। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट दिया है यहां पे पस घस दस धस, पस घस दस घस दस धस और रास, धस और रास। या आप सभी के सामने कुछ शब्द लिया हूं मैं, अब इन शब्दों को आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए जैसे पस आ रहा है भाई, सिंपल सी बात है, आप पाको बनाओ और सा बना दो। यही तो मैंने आपको नियम में भी बताया था ना कि सा के पहले अगर कोई पाका व्यंजन आ रहा है, लेकिन प्यारे साथी अगर आप नियम भूल भी जाते हैं तो कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्या आप इसको छोड़कर क्या आप ऐसा बनाना चाहते हैं पस को, ये ऐसा बनाएंगे भैया, ये तो गलत है ना। हाँ जी सर, गलत ही है। तो कहे आप ऐसे बनाएंगे, क्यों आप ऐसे बनाएंगे, हमको धस बनाने की बात हो रही है तो हम धस को कुछ ऐसा भी तो बना सकते हैं, ये देखो धस ये, और ऐसा भी तो बना सकते हैं धस, लेकिन ज्यादा सूटेबल मुझे ये वाला लग रहा है तो हम इसी वाले सा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। धस, उसके बाद धस, ये धस है ना, फिर से आपका आ गया धस, ये देखिए भाई धस, फिर से आपका आ गया रास, रास ये देखिए रा, रा में बड़ा आ की स्वर के लिए मोटा डैश पहले स्थान पर, ये आपका होगा रास। आशा करता हूं जी सारे दोस्तों को चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो पॉइंट आपके सभी क्लियर होने चाहिए। आपको भाई मैंने बताया पस, क्या आप पस ऐसे लिख दोगे, ऐसा लिख के बनाओगे, नहीं बनाओगे ना। बस थोड़ा सा अब आप 20 क्लास में पहुंच चुके हैं, 20वीं क्लासेस आज चल रही हैं आपकी, थोड़ा सा तो आपका माइंड खुल ही गया होगा भाई कि चीजें कैसे बनेंगी, क्या कैसे होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स की ओर, कुछ अगले पॉइंट्स की तरफ प्यारे साथी। जैसे यहां पे देखिएगा,
चलिए, उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्त चीजें आप सबको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तब तक आप सभी प्यारे दोस्त अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।